हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस बेस्ड ऑन वेस्पर थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी बेटा, टुडे वी प्रेडिक्ट शेप ऑफ गिवन मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, तो इससे पहले हमने वेस्पर थ्योरी में मेन पॉइंट्स डिस्कस किए थे, फिर हमने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर लास्ट पॉइंट पर हमने डिस्कस किया। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने होंगे, डिफरेंट केसेस पॉसिबल केसेस किए थे, देन शेप क्या पॉसिबल होंगे अकॉर्डिंग टू दैट। तो बेस्ड अपॉन दैट नॉलेज टुडे वी कैन डिस्कस, वी कैन प्रिडिक्ट शेप ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर पता थे टेबल में तो, बट आज हमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज इक्वल टू इज गिवन बाय फॉर्मूला 1/2 इंटू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। दिस इज द फॉर्मूला बेटा टू कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। वी हैव वी इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम बेटा। यू नो वेरी वेल विच इज द सेंट्रल एटम बेटा। सेंट्रल एटम इज फर्स्ट, लेफ्ट साइड से चलेंगे हम इन ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल बेटा। फर्स्ट एटम इज सेंट्रल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, पता आप लोगों को, ये बता रखा पहले मैंने आप लोगों को। एम इज नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स बेटा। मोनोवेलेंट एटम्स या तो हाइड्रोजन होता है जिनकी वैलेंसी वन हो, हाइड्रोजन, या फिर हेलोजन्स हो सकते हैं, हेलोजन्स। ओनली दीज आर मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट का मतलब जिनकी वैलेंसी वन हो, जिनकी वैलेंसी क्या हो, वन। हेलोजन्स की और हाइड्रोजन की दोनों की वैलेंसी क्या होती है बेटा, वन होती है। सो दीज आर कंसिडर्ड एज मोनोवेलेंट एटम्स। और कोई नहीं कंसिडर करना आपको, यहाँ पर ऑक्सीजन या कोई अदर आइटम प्रेजेंट है यहाँ पर, तो हमें वो कंसिडर नहीं करना, सिर्फ हेलोजन्स या हाइड्रोजन कंसिडर कर सकते हैं। सी इज चार्ज ऑन कटायन। कटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आयन। जो भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आयन है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज आयन, सपोज ये H3O पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, जितना ही पॉजिटिव चार्ज है वहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे विद नेगेटिव साइन यहाँ पर। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आने का मीनिंग क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ वो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे आपको, इसलिए ठीक है ना। तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है प्लस वन है तो हम यहाँ वन पुट कर देंगे, साइन नेगेटिव रहेगा फॉर्मूले में, वन प्लस टू होता तो टू पुट कर देते। ई ए इज द चार्ज ऑन एनायन। ए क्या है बेटा, ए इज चार्ज ऑन एनायन। एनायन नेगेटिव चार्ज आयन होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज आयन। सपोज NH2 नेगेटिव है, वन नेगेटिव चार्ज है, मीन जितना भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब गेन हुआ इलेक्ट्रॉन का, गेन हुआ तो यहाँ पर इसलिए प्लस किया हमने प्लस ए, मीन जितना भी एनायन पर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उतना ही ऐड कर देंगे, मीन उतना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है यहाँ पर। इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस आपको पता होनी चाहिए, पर बिल्कुल ईजी चुटकियों में आप सोल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे होगा, 1/2 इंटू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। ठीक है, V is the valence electrons of central atom, M monovalent atoms कितने हैं, C charge on the cation, A charge on anion. We can put all these values, after putting all these values बेटा, we can solve easily, we can calculate total number of electron pairs. अब देखिए, now we are going to take some examples, कुछ example ले लेते हैं बेटा इनमें से। ठीक है, देखिए, first example is suppose ClF3, first molecule I am going to discuss here बेटा, ClF3, first molecule. ClF3, this. First of all, total electron pair calculate करेंगे। Total electron pairs कितने होंगे, 1/2 into V plus M minus C plus A. This is the formula बेटा, 1/2 into valence electron, central atom is chlorine, left side से first atom, central atom chlorine, chlorine के valence में 7 electron plus number of monovalent atom. Central atom के surrounding में कितने monovalent atom present है वो check करने हैं। कभी क्लोरीन को भी मोनोवेलेंट में कंसीडर कर लो, नो क्लोरीन इज सेंट्रल एटम हियर। ठीक है ना, तो थ्री फ्लोरीन एटम्स आर लिंक्ड टू दिस क्लोरीन बेटा। सो फ्लोरीन एटम्स हैलोजन्स हैं, दीज आर मोनोवेलेंट एटम्स, तो थ्री मोनोवेलेंट एटम हो गए। सी प्लस माइनस सी प्लस है, कोई चार्ज नहीं है कटायन, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, तो जीरो जीरो हो गए वैल्यूज। दिस क्या आ गया, 1/2 इंटू 10
टू फाइव जेड टेन मीन फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए। कितने आ गए बेटा? फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए बेटा, ये दिस फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, उसके बाद आपको बोन पेयर एंड लोन पेयर कैलकुलेट करने हैं, क्यों तभी तो आपको शेप पता चलेगी। ओके, अब बेटा बोन पेयर्स किसके इक्वल होते हैं? बोन पेयर्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड टू द सेंट्रल एटम। बोन पेयर्स, बोन पेयर्स किसके इक्वल होते हैं बेटा? नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड टू सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से कितने एटम्स लिंक हैं उतने ही बोन पेयर्स बनेंगे यहाँ पर, सिंपल सा पॉइंट है। ओके, तो कितने एटम्स लिंक है? डायरेक्टली लिंक है, जो डायरेक्टली लिंक टू सेंट्रल एटम थ्री, सो बोन पेयर्स थ्री आते हैं, बोन पेयर्स थ्री। देयरफॉर लोन पेयर्स बेटा, लोन पेयर होते हैं बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स माइनस बोन पेयर्स। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आ गए भाई? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर फाइव, बोन पेयर्स थ्री, फाइव माइनस थ्री टू, टू लोन पेयर्स। सो इस Cl(F3) मॉलिक्यूल में हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स फाइव हैं, बोन पेयर्स थ्री हैं, लोन पेयर्स टू हैं। अब एक पॉइंट, जैसे ही आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स पता चले, ज्योमेट्री लिखो उसके अकॉर्डिंग। फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे तो ज्योमेट्री क्या थी? व्हाट इज ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू दिस फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर्स बेटा? ज्योमेट्री क्या थी बेटा? यहाँ पर बीच में लिखना चाहिए था आपको ज्योमेट्री, यही लिख देता हूँ मैं। तो ज्योमेट्री क्या होगी? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स फाइव है, फाइव के अकॉर्डिंग बेटा ट्राइगनल बाय पिरामिडल, ट्राइगनल बाय पिरामिडल, दिस इज द ज्योमेट्री, ट्राइगनल बाय पिरामिडल। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आते ही ज्योमेट्री का नेम लिखो आप। ज्योमेट्री का नेम आने के बाद बोन पेयर लोन पेयर चेक करो आप कितने इसके अंदर। ओके, बोन पेयर लोन पेयर चेक करते फिर उसके बाद आप शेप ड्रॉ कर सकते हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो शेप ड्रॉ करिए बेटा, क्या बनेगी शेप देखो, ट्राइंगल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री है भाई, ज्योमेट्री इज ट्राइंगल बाय पिरामिडल। ऊपर ड्रॉ कर देता हूं मैं यहां पर बेटा, नाइस। ज्योमेट्री जो हमारी बनेगी दैट इज ट्राइंगल बाय पिरामिडल। Cl(F3) मॉलिक्यूल है, फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर्स आए हैं हमारे टोटल। ठीक है, देखिए मॉलिक्यूल आपका Cl(F3) दिस, ठीक है, ट्राइंगल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। ट्राई एंड बाय, क्लोरीन सेंट्रल एटम है, दिस इज सेंट्रल एटम क्लोरीन। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, दिस ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये बन गया बेटा अरेंजमेंट, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल अरेंजमेंट होगी बेटा ये, दिस इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल अरेंजमेंट होगी बेटा ये। तो बेटा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेटा कुछ अरेंजमेंट्स यहाँ करनी चाहिए। देखिए मैं थोड़ा सा डोटेड कर देता हूँ इसको ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाए बेटा। दिस क्यों बोलते हैं ट्राइंगल बाय पिरामिडल इसको, दिस इज ट्राइंगल, ये ट्राइंगल होगा बेटा, ट्राइंगल लाइक होगी अरेंजमेंट, ये ट्राइंगल बोलते हैं इसको, हम इसके लिए ट्राइंगल वर्ड यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ सी हियर, दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, बताया था पहले मैंने आप लोगों को, दीज आर एक्सियल बॉन्ड्स। अगर ट्राइंगल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री है तो लोन पेयर गोज टू इक्विटोरियल पोजीशन, बता रखा आपको लोगों को, इक्विटोरियल पोजीशन पे जाएगा लोन पेयर, वो पॉइंट सारे आपको लर्न होने चाहिए। लोन पेयर गोज टू इक्विटोरियल पोजीशन, टू लोन पेयर्स हैं, दोनों के दोनों लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पर जाएंगे, ये इक्विटोरियल पोजीशन पर लगा दी बेटा मैंने लोन पेयर्स, दिस ये लोन पेयर्स हो गए। ठीक है, नाउ अब बाकी बोन पेयर्स हैं, क्लोरीन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम क्लोरीन, देखो अब मैं ये रब कर देता हूँ, सिर्फ ये मैंने इसलिए लिंक किया था इनको ताकि आपको दिखाई दे जाए कि ज्योमेट्री कैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, ट्राइंगल की वर्ड क्यों यूज किया था, रिमाइंड करवाने के लिए। नाउ अब मैं डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट क्या डिफरेंट आइटम्स और ग्रुप्स यहाँ पर लगा रहा हूँ बेटा, ये दो लोन पेयर हमने अटैच कर दिए यहाँ पर, बाकी क्या है, थ्री फ्लोरीन है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। व्हाट इज शेप? शेप डिपेंड्स अपॉन अरेंजमेंट ऑफ बोन पेयर्स ओनली, अरेंजमेंट ऑफ बोन पेयर। तो शेप क्या बन गया बेटा इसके, देखो टी शेप दिखाई दे रहा है, दिस इज इंग्लिश लेटर टी, तो शेप इज क्या होगा बेटा, टी शेप। शेप कैसे होगी बेटा, टी लेटर टी की तरह दिखाई दे रहा है आपको, टी शेप बोलो या फिर आप डिस्टोर्टेड टी शेप बोल सकते हैं, बेंट टी शेप बोल सकते हैं। ओके, इन जनरल वी कैन राइट टी शेप, सिंपल। ठीक है, ऑल इज वेल।
Okay, now next example. I am going to take BRF3. चलो BRF5 इसी टाइप से बेटा, BRF5 देखो करवा देता हूँ ये BRF5. ब्रोमीन अगेन हेलोजन है, एटॉमिक नंबर 35 होता, बट अगर आप एटॉमिक नंबर बाय चांस भूल जाए तो ये देखो ब्रोमीन हेलोजन्स है. हेलोजन्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7 होते हैं. फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हेलोजन्स के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन. कोई भी नोबल गैस है जिन्होंने एक्सपोज, यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना चाहिए. ऑल नोबल गैसेज हैव कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नोबल गैस में. तो इस टाइप से आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए सेंट्रल एटम के, ठीक है ना, बस काम चल जाएगा आपका, शेप आप ड्रॉ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो बेटा, बी आर एफ फाइव ब्रोमीन सेंट्रल एटम है. तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/2 इनटू बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, दिस इज द फॉर्मूला. 1/2 इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के कितने होंगे, 5 हैलोजन, सॉरी हैलोजन है 7 होंगे बेटा, 7 प्लस मोनोवेलेंट एटम्स 5, फ्लोरीन एटम्स लिंक हो गए इससे, ठीक है ना, तो 5 सी और ए नहीं है यहाँ पर, ठीक है. 12 बाय टू कितना आ गया बेटा, 6, तो मीन 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं. तो ज्योमेट्री क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर पता चलती है, ज्योमेट्री लिखो पहले आप, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ज्योमेट्री. ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ गई बेटा. नाउ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, देखिए बॉन्ड के सेंट्रल एटम से कितने एटम्स लिंक डायरेक्टली, 5, तो 5 बॉन्ड पेयर्स. लोन पेयर्स बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में से, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, उसमें से बॉन्ड पेयर सेपरेट कर दो, 5 कितना बच गया, 1 लोन पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर्स हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बेटा दीज आर 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई. सेंट्रल एटम देखो ये रहा ब्रोमीन, ऑक्टाहेड्रल में क्या था कि एक स्क्वायर बनता है, ये दिस डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर इंटरसेक्ट टू इच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, दिस वन, these are equatorial bonds which are present in the plane, one is above the plane and another is below the plane, dotted disc bana ke iske niche daba hua hai, theek hai na, back side mein. Now agar geometry octahedral hai to lone pair kahan jata beta, lone pair goes to axial position, bata rakha aap logon ko, lone pair goes to axial position in case of octahedral geometry. तो दीज आर दी टू एक्सियल पोजिशन, दिस एंड दिस, ये एक्सियल पोजिशन. कितने लोन पेयर, 1 है, एक लोन पेयर है, कहीं या तो इस पर लगा दो या इस पर, किसी एक पर लगा दो बेटा दिस. बाकी बॉन्ड पेयर है, ब्रोमीन सेंट्रल एटम हो गया, 5 फ्लोरिन है, 1 2 3 4 5. शेप देखो क्या बन गई, व्हाट इज शेप, शेप क्या हो गई, ये स्क्वायर और ये ऊपर एक पिरामिड बन गया, इस पर नीचे जाओ चाहे ऊपर जाओ बात तो वही है, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, दिस इज द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल BRF5. बिल्कुल इजी है, बस आपको समझने की थोड़ी सी देरी है. आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, इफ यू अंडरस्टैंड इजली दिस लेक्चर बेटा, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम दैट यू विल गिव एनी मिस्टेक एंड क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. प्रॉब्लम है तो मैं हूं ना आपके साथ, ठीक है, फिर से आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम. हाँ जी, फिर से आप लेक्चर को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिल्कुल स्लोली, ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा, NH2- देखिए, NH2- थर्ड एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक हियर, NH2- अमाइड आयन होता है NH2-, देखो भाई आपको फुली सॉल्व करके चलना है क्योंकि टॉपिक 12th में भी आपको मिलेगा बेटा और बड़े हेल्पफुल होगा आपके लिए. थर्ड एग्जाम्पल इज NH2-, देखो भाई टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बनेंगे, फिर नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 5 प्लस, ठीक है. हाइड्रोजन मोनोवेलेंट एटम, हाइड्रोजन 2 है बेटा, माइनस सी प्लस ए, ए इज द चार्ज ऑन एनायन, एनायन है नेगेटिव चार्ज है, सी तो 0 हो गया बट एनायन पर 1 चार्ज मीन 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, 1 नेगेटिव चार्ज मीन 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, तो प्लस 1 कर दिया, एनायन की जगह पुट कर दिया आपने,
5 plus 2 7 plus 1 8 by 2 that is 4 electron pairs are there. 4 electron pairs. 4 electron pairs मिलते हैं ही geometry लिखो क्या बनेगी table बनाई थी table आपको बिल्कुल अच्छी तरह लाना होनी चाहिए total electron pairs कितने बनेंगे 4 electron pairs है total geometry क्या बनेगी tetrahedral. 4 electron pairs के according geometry is tetrahedral. Bond pair loan पे निकालो आप bond pairs कितने हैं सेंट्रल एटम से कितने एटम्स लिंक है डायरेक्टली टू ठीक है तो बॉन्ड पेयर्स टू लोन पेयर्स टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं फोर में से बॉन्ड पेयर सब्ट्रैक्ट करो बेटा टू ठीक है टू लोन पेयर्स हैं टू बॉन्ड पेयर्स ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन दिस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिस 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 इज टेट्राहेड्रल एग्जैक्ट ज्योमेट्री जो बनाई मैंने ये टेट्राहेड्रल है बेटा नाउ रिप्रेजेंट करो दो लोन पेयर है वन लोन पेयर इज दिस अनदर लोन पेयर इज दिस ये दो लोन पेयर है टू बॉन्ड पेयर है बेटा बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन है यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम ये हाइड्रोजन एटम कैसी शेप बन गई और कितना नेगेटिव चार्ज है देखो ये भी ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज इज वन नेगेटिव ये नेगेटिव चार्ज ब्रैकेट लगा के ऊपर कर दो तो शेप कैसी आ गई बेटा व्हाट इज शेप ऑफ दिस दिस आयन वी शेप और बेंट शेप ये देखिए बॉन्ड पेयर के बीच में देखो कैसा शेप बन रहा है वी शेप और बेंट शेप वी शेप बोल सकते हैं या फिर हम बेंट शेप बोल सकते हैं दोनों ही ठीक है ओके बिल्कुल इच नाउ नेक्स्ट एग्जांपल बेटा फोर्थ एच थ्री ओ पॉजिटिव फोर्थ एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक बेटा एच थ्री ओ पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोनियम आयन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे अब नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू विच इज सेंट्रल एटम हेयर सेंट्रल एटम क्या होगा बेटा सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम नॉट हाइड्रोजन क्योंकि फर्स्ट एटम इज सेंट्रल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन आपको बार बार बोल रखा बेटा हाइड्रोजन नहीं फिर ऑक्सीजन जाएगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है एट होता है तो वैलेंस एटम कितने बनेंगे सिक्स सिक्स इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सिक्स आ गया प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम ऑक्सीजन से कितने लिंक है थ्री थ्री हाइड्रोजन लिंक है दिस माइनस चार्ज माइनस सी सी इज द चार्ज ऑन कैटायन प्लस वन चार्ज मीन वन इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है इसलिए जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही सी की जगह पुट करेंगे वैल्यू माइनस वन हो गया कितना हो गया सिक्स प्लस थ्री नाइन नाइन बाई टू एट क्या नाम नाइन माइनस वन एट एट बाई टू फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए यहाँ से अगेन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल फिर से बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे सेंट्रल एटम के लिंक में डायरेक्टली कितने मोनोवेलेंट एटम क्या कितने एटम्स डायरेक्टली लिंक है देखो थ्री तो बॉन्ड पेयर्स थ्री आ गए बेटा बॉन्ड पेयर्स थ्री लोन पेयर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आ गया बेटा वन वन इज द लोन पेयर सेंट्रल एटम इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है देखो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम ये लगा दिया मैंने ऑक्सीजन वन लोन पेयर है ये लोन पेयर लगा दिया थ्री बॉन्ड पेयर्स हैं तीनों हाइड्रोजन एटम्स हैं वन पॉजिटिव चार्ज ये कर दो बिल्कुल इजी कुछ भी नहीं अब ये शेप कैसी होती है पिरामिडल शेप दिस इज पिरामिडल शेप इज पिरामिडल बिल्कुल इजी शेप इज पिरामिडल बेटा तो शेप कैसी होगी पिरामिडल शेप होगी बिल्कुल इजी इसी टाइप से आप सेम पॉइंट पर जा सकते हैं इलेवंथ कंपाउंड पर कंपाउंड नंबर इलेवन एन एच थ्री देखो इसमें भी नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है भाई नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम टोटल एटम पेयर कैलकुलेट करो इलेवंथ कंपाउंड इसी पर बेस होके बता रहा हूं मैं नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे इसके फाइव क्या नाम टोटल वैलेंस एटम कितने होंगे बेटा इसके फाइव सेवन एटॉमिक नंबर होता है टू फाइव फाइव प्लस थ्री एट कोई चार्ज नहीं है तो माइनस सी प्लस सी कैंसिल हुआ यहाँ से एट बाई टू अगेन फोर इलेक्ट्रॉन पेयर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर थ्री लोन पेयर कितना आ गया फोर माइनस थ्री वन आ गया सेम रहेगी शेप सेंट्रल एटम चेंज किया है मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं यहाँ पर बस ठीक है ना नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम ये लगाना चाहो तो ठीक है ब्रैकेट हटाना चाहो तो हटा दो क्योंकि कोई चार्ज नहीं है आपकी बात शेप क्या रही पिरामिडल अगेन शेप इज पिरामिडल बिल्कुल इजी पॉइंट्स है बिल्कुल इजी है कुछ भी नहीं है ओके बेटा नाउ ट्वेल्थ नंबर कंपाउंड नंबर ट्वेल्व देख सकते हैं सेम पॉइंट पर कंपाउंड नंबर ट्वेल्व देखिए वाटर H2O कंपाउंड नंबर ट्वेल्व H2O वाटर ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है बेटा वैलेंस एटम कितने होते हैं ऑक्सीजन के सिक्स मोनोवेलेंट एटम कितने लिंक है इससे टू सिक्स प्लस टू एट बाई टू फोर अगेन टेट्राहेड्रल बॉन्ड पेयर कितने हो गए ऑक्सीजन से कितने एटम्स लिंक है टू हाइड्रोजन एटम टू लिंक है टू बॉन्ड बनेंगे बॉन्ड पेयर कितने आ गए
टू, लोन पे फोर माइनस टू टू आ गई, ठीक है। तो देखिए क्या शेप बनेगी, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है बेटा, ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम, दिस टू लोन पेयर्स रिप्रेजेंट कर दिया टू बोन पेयर्स H2O, वी शेप और बेंट शेप, जैसे NH2 नेगेटिव में किया था आपने, वी शेप और वी कैन से बेंट शेप, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कंपाउंड नंबर फाइव, फिफ्थ कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं बेटा। कंपाउंड नंबर फाइव देखिए, क्या है कंपाउंड फिफ्थ, SF6। देखो भाई SF6 कैलकुलेशन करते हैं, इसके लिए टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आएंगे, अकॉर्डिंग टू दैट क्या ज्योमेट्री बनेगी, फिर क्या शेप होगी, बोन पे लोन पे कैलकुलेट करके हम चेक करेंगे सारा, ठीक। कंपाउंड नंबर फिफ्थ, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला 1/2 इनटू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, दिस SF6, दिस इज द कंपाउंड SF6। सल्फर का अटोमिक नंबर 16 होता है बेटा, 16, तो इलेक्ट्रॉन कंपोजिशन देखें क्या बनेगी, 286, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ दिया बेटा, तो टोटल देखो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 6 हो गए, मोनोवेलेंट एटम फ्लोरीन हैलोजन है, मोनोवेलेंट एटम है, मोनोवेलेंट है ये भी, वैलेंस इवन होती है इसकी, 6 हो गए, 6 फ्लोरीन एटम, माइनस सी प्लस ए कुछ भी नहीं यहाँ पर, 6 प्लस 6 12/2 कितना आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 6 एटम पेयर है तो ज्योमेट्री क्या होगी, व्हाट इज ज्योमेट्री, 6 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है बेटा, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, वो टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्या आपको पता, बिल्कुल पॉइंट पर सेट, माइंड पर सेट होना चाहिए, टिप्स पर पॉइंट होना चाहिए, और उसकी अरेंजमेंट कैसी है उस ज्योमेट्री में, सेंट्रल एटम के साथ डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स की टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट कैसी, ये पॉइंट 3 पॉइंट्स आपको माइंड में, आपके माइंड में बिल्कुल 100% सेट होने चाहिए, तब जाकर आप ड्रॉ कर सकते हैं, इजीली चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। नाउ बोन पेयर कितना, सेंट्रल एटम से कितने एटम्स लिंक डायरेक्टली, 6, तो बोन पेयर 6, लोन पेयर कितना आ गया, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बोन पेयर 0, तो SF6 में 0 लोन पेयर्स, कोई लोन पेयर नहीं है SF6 में, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, देखो सल्फर एटम नंबर 16, 286 माइनस एटम 6 आ गए, 6 मोनोवेलेंट एटम लिंक है, 6 प्लस 6 12/2 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ऑक्टाहेड्रल हो गया, बोन पेयर 6 लोन पेयर 0, देखिए तो शेप क्या बनेगी, देखो भाई इसके लिए सल्फर सेंट्रल एटम है, ऑक्टाहेड्रल बनानी है आपको, तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल, देखिए ऑक्टाहेड्रल, दिस इज ऑक्टाहेड्रल, वन इज अबो द प्लेन, अनदर इज बिलो द प्लेन, ओके बेटा ये हो गया, दीज आर एक्सियल बॉन्ड्स, बाकी इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं, लोन पेयर कहाँ जाएगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, तो लोन पेयर गोज टू एक्सियल पोजिशन, लोन पेयर है ही नहीं, कोई टेंशन नहीं, सल्फर इज द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम क्या बेटा यहाँ पर सल्फर, सल्फर इज सेंट्रल एटम, ये लो, और 6 फ्लोरीन एटम्स है, ऑल दीज आर यूज इन बोन पेयर्स बेटा, ये सभी के सभी बोन पेयर्स में यूज होंगे, ठीक है। तो जो ज्योमेट्री वही शेप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, शेप भी ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि कोई लोन पेयर है नहीं, कोई डिस्टॉर्शन नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, तो शेप क्या होगा बेटा, शेप इज ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, दिस इज द शेप ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शेप होगी बेटा, ओके। नाउ इसी तरह मैं कंपाउंड नंबर 6 ले रहा हूं अब, XeF2, देखिए XeF2 कंपाउंड नंबर 6, कंपाउंड नंबर 6 बेटा XeF2, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करो बेटा, जीरोन सेंट्रल एटम है, नोबल गैस, नोबल गैस के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 8 होते हैं, प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने लिंक है इससे, 2, 8 प्लस 2 10, 10/2 कितना हो गया, 5, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो देखिए भाई टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5, फिर से रिपीट कर देता हूँ, जीरोन एटॉमिक नंबर क्या नाम, वैसे 54 होता है जीरोन का एटॉमिक नंबर, तो बट नोबल गैस है तो वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे,
प्लस टू मोनोवेलेंट एटम हो गए, सी और ए है नहीं, तो 8 by 8 + 2 10 by 2 फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर्स। फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्या होती है बेटा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, दिस इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बेटा, दिस इज द ज्योमेट्री। बोन पेयर लोन पेयर निकालो, बोन पेयर कितने हैं? सेंट्रल एटम से कितने एटम्स लिंक है? डायरेक्टली टू, टू बोन पेयर्स हो गए। लोन पेयर्स कितने आएंगे देखो, लोन पेयर्स बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? फाइव। फाइव में से बोन पेयर सबट्रैक्ट करेंगे टू, कितना रह गया? थ्री। लोन पेयर्स थ्री आ गए। ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, अरेंज करो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। पहले ज्योमेट्री ड्रॉ करो फिर आपको पता चलेगा। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, सेंट्रल एटम जीनोन इस, दिस इज ट्राइगोनल हो गया, फिर बाय पिरामिडल हो गया, वन इज अबव द प्लेन अनदर इज बिलो द प्लेन, ठीक है। ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं, एक्सियल बॉन्ड्स, दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है भाई। अब बेटा जीनोन सेंट्रल एटम है, देखिए यहाँ पर जीनोन इज सेंट्रल एटम, जीनोन इज सेंट्रल एटम। लोन पेयर है तो लोन पेयर गोज टू इक्वेटोरियल पोजीशन, इन केस ऑफ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री बेटा लोन पेयर गोज टू इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पर जाएगा। लोन पेयर गोज टू इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पर जाएगा बेटा लोन पेयर, लोन पेयर गोज टू इक्वेटोर। नाउ बेटा देखो फिर करते हैं इसको अरेंज डिफरेंट एटम्स को। यहाँ पर जीनोन सेंट्रल एटम हो गया, टू बोन पेयर्स, थ्री लोन पेयर्स। लोन पेयर कहाँ जाएंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पर, वन टू थ्री, तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर आ गए। टू बोन पेयर्स, फ्लोरीन एटम्स हैं, दिस इज वन फ्लोरीन, दिस इज अनदर फ्लोरीन। बोन पेयर के अरेंजमेंट देखो कैसे लीनियर हो गई, तो शेप इज लीनियर। शेप कैसे हो गई बेटा? लीनियर, शेप इज लीनियर, शेप लीनियर हो गई बेटा इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, सपोज दिस इज सेवंथ एग्जाम्पल, XEF4, देखिए XEF4 सेवंथ एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक। सेवंथ एग्जाम्पल, जीनोन सेंट्रल एटम है, एट होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके, प्लस फोर आ गए आपके पास मोनोवेलेंट एटम, एट प्लस फोर कितना हो गया? ट्वेल्व, ट्वेल्व बाय टू, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर सिक्स। सिक्स के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्या बनेगी? ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्रिक इज ऑक्टाहेड्रल, ये लो जी ज्योमेट्री आ गई बेटा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो लोन पेयर कहाँ जाएगा बेटा? लोन पेयर गोज टू एक्सियल पोजिशन, लोन पेयर एक्सियल पोजिशन पर जाएगा बेटा, लोन पेयर गोज टू एक्सियल पोजिशन, ठीक है ध्यान रखना यहाँ पर दिस। तो मैं ड्रॉ करता हूँ ऑक्टाहेड्रल और बोन पेयर लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं बेटा इसके हम, ठीक है। बोन पेयर कितने होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने लिंक है सेंट्रल एटम से? फोर, टोटल फोर एटम्स लिंक है, तो बोन पेयर्स फोर हो गए। लोन पेयर्स बेटा सिक्स टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, फोर बोन पेयर्स हैं, तो कितने रह गए? टू लोन पेयर्स, टू। अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो लोन पेयर गोज टू कहां पर जाएगा? लोन पेयर एक्सियल पोजिशन, ध्यान रखना इसको, लोन पेयर गोज टू एक्सियल पोजिशन। ड्रॉ करते हैं बेटा, जीनोन इज सेंट्रल एटम, दिस इसके स्क्वायर बना दिया हमने, दीज आर दी फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये दीज आर दी बॉन्ड्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लेन, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, ये एक्सियल बॉन्ड्स आ गए बेटा, दिस एंड दिस, ये एक्सियल बॉन्ड्स हो गए। लोन पेयर गोज टू एक्सियल पोजीशन, कितने लोन पेयर? दो लोन पेयर हैं, दोनों के दोनों लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पर जाएंगे, दिस एंड दिस। जीनोन सेंट्रल एटम फोर बोन पेयर्स हैं, फोर फ्लोरीन है बोन पेयर्स में यूज हुए हैं। शेप क्या हो गई बेटा? स्क्वायर प्लेनर, सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं, स्क्वायर बन गया, तो शेप क्या बन गया बेटा? स्क्वायर प्लेनर, शेप इज स्क्वायर प्लेनर, दिस इज द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल XEF4। नेक्स्ट बेटा XEF6, एट्थ एग्जाम्पल, आई थिंक यस यही है एग्जाम्पल नंबर एट।
XeF6। देखिए जीनोन सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, टोटल मोनोवेलेंट एटम जो लिंक है इससे दैट इज 6, 8 एंड 6 14, 14 बाई 2 कितने आ गए 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए दिस टाइम 7, और 7 के लिए है ना फर्स्ट टाइम आए हैं अभी तक जितने एग्जांपल हमने डिस्कस किए। 7 के लिए क्या होता बेटा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ज्योमेट्री इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल, दिस इज द ज्योमेट्री पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होगी बेटा। हाँ जी, बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, जीरोन सेंट्रल एटम कितने एटम्स लिंक्ड एटलीस्ट से 6, तो 6 बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर्स कितने होंगे बेटा, 7 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है, 6 बॉन्ड पेयर है, तो 1 लोन पेयर रह गए। ठीक है, अगर ज्योमेट्री पेंटागोनल बाय पिरामिडल या ट्रायंगल बाय पिरामिडल तो लोन पेयर गोज टू कहां पर जाएगा बेटा, इक्वेटोरियल पोजीशन। लोन पेयर गोज टू इक्वेटोरियल पोजीशन, बार बार बता रखा आप लोगों को, तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर जाएगा। इसमें देखो ड्रॉ करेंगे हम पहले ज्योमेट्री पेंटागोनल बाय पिरामिडल, एक पेंटागन ट्राई करेंगे बेटा, दिस इज पेंटागन, ये बेटा जीनोम सेंट्रल एटम है यहां पर, दिस इज द सेंट्रल एटम जीनोम, वन इज अबो द प्लेन, अनदर इज बिलो द प्लेन, बाकी ये डिफरेंट इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं विच आर लिंक्ड टू दिस, दिस आर प्रेजेंट इन द प्लेन, दिस ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है सारे विच आर प्रेजेंट इन द प्लेन, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, द बॉन्ड्स विच आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द प्लेन दीज आर एक्सियल बॉन्ड्स, पता होना चाहिए आपको पेंटागोनल बाय, अगर पेंटागोनल बाय पिरामिडल या ट्रायंगल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री तो लोन पेयर गोज टू इक्वेटोरियल पोजीशन, किसी भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा दो एक लोन पेयर, सपोज हमने यहां लगा दिया इस लोन पेयर को, दिस इस पोजीशन पर लगा दिया, बाकी सारे बॉन्ड पेयर्स हैं फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है लग गए ना सभी 6 1 2 3 4 5 6। यस, अब 6 बॉन्ड पेयर्स होते हैं तो ज्योमेट्री क्या होती है ऑक्टाहेड्रल, बट 6 बॉन्ड पेयर उसके लिए अरेंजमेंट हो गई ऑक्टाहेड्रल, एक लोन पेयर है तो डिस्टॉर्शन आ गया, रिपल्शन होंगे इसकी लोन पेयर की वजह से, तो ज्योमेट्री जो थी ज्योमेट्री तो बाय पेंटागोनल बाय पिरामिडल थी नो डाउट, बट 6 के लिए क्या होती है ऑक्टाहेड्रल, 6 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है तो उसकी वजह से डिस्टॉर्शन आई है, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इज द शेप, शेप क्या बनी यहां पर इसकी, शेप इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि और तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है यहां पर कि किस टाइप की शेप है ये, बट फिर ये पॉइंट चेक करेंगे हम कि 6 बॉन्ड पेयर के लिए अरेंजमेंट क्या होती है ऑक्टाहेड्रल होती है, और ऑक्टाहेड्रल एक लोन पेयर उसकी वजह से डिस्टॉर्शन आएंगे रिपल्शन होंगे कुछ ना कुछ यहाँ पर, तो डिस्टॉर्शन आ जाएगा, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इज द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल XeF6। नाउ नाइन्थ कंपाउंड में डिस्कस कर रहा हूं बेटा ICl2 नेगेटिव, ICl2 नेगेटिव कंपाउंड नंबर 9, देखिए ICl2 नेगेटिव, ICl2 नेगेटिव कंपाउंड नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं आप, ICl2 1 नेगेटिव, सेंट्रल एटम आयोडीन हेलोजन है, हेलोजन्स के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 7 होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हेलोजन्स के वैलेंस सेल में बेटा, तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट करते हैं 7 प्लस मोनोवेलेंट एटम जो लिंक है 2 क्लोरीन एटम लिंक एंड मोनोवेलेंट एटम होता है, माइनस सी प्लस से माइनस सी प्लस ए एनायन, ए इज अ चार्ज ऑन एनायन, एनायन नेगेटिव चार्ज है तो एनायन ही है, 1 नेगेटिव चार्ज है तो उतना ही ऐड करना है प्लस 1, टोटल हो गया 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 बाय 2 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए भाई, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर तो ज्योमेट्री क्या हो गई 5 के लिए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होगी बेटा। बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैलकुलेट करो, अब बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर देयर, सेंट्रल एटम से कितने एटम लिंक है 2 डायरेक्टली, लोन पेयर्स टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से बॉन्ड पेयर सब इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आ गए थे, ओके नाउ
ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये देखिए क्लोर आयोडीन सेंट्रल एटम है, दिस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दिस दिस इज द ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल अरेंजमेंट होगी और ये बाइपिरामिडल, वन इज अबव द प्लेन अनदर इज बिलो द प्लेन, ठीक है ये अरेंजमेंट बन गई है बेटा, वन इज अबव द प्लेन अनदर इज बिलो द प्लेन, थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा, कट जाएगा नहीं कहीं नीचे से, आयोडीन इज द सेंट्रल एटम बेटा, दिस वन इज अबव द प्लेन अनदर इज बिलो द प्लेन, दिस वन, नाउ ये आयोडीन है सेंट्रल एटम, दिस इज आयोडीन, दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और जो अबव एंड बिलो है दीज आर बेटा एक्सियल बॉन्ड्स, ये एक्सियल बॉन्ड्स, ओके नाउ अगर इसको ध्यान से देखें हम, देखिए लोन पेयर्स थ्री है बेटा, लोन पेयर्स कहा जाते हैं इक्वेटोरियल पोजिशन पर, वन टू थ्री ये लोन पेयर्स, टू बॉन्ड पेयर्स है क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, दोनों लगा दिया हमने, वन नेगेटिव चार्ज है, वन नेगेटिव चार्ज भी लगा दिया हमने, अब बॉन्ड पेयर की अरेंजमेंट देखो कैसी हो गई, लीनियर बॉन्ड पेयर्स आर अरेंज लीनियरली, तो शेप क्या बन गई इसकी, व्हाट इज शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल बेटा, लीनियर, तो आईसीएल टू नेगेटिव की शेप कैसी है बेटा, लीनियर शेप है इस आयन की, ठीक है ना, लीनियर शेप, सिमिलरली नेक्स्ट हम चलते बेटा आई थ्री वन नेगेटिव पर, देखो आई थ्री वन नेगेटिव बिल्कुल इसी टाइप का है, आई थ्री वन नेगेटिव, I3 वन नेगेटिव, आयोडीन सेंट्रल बेटा, तीन एटम है आयोडीन के यहाँ पर, तो एक तो कोई सेंट्रल एटम होगा, बाकी दो क्या रहेंगे सराउंडिंग में रहेंगे, एक सेंट्रल एटम आयोडीन है, हैलोजन, हैलोजन के वायलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेवन प्लस टू इससे लिंक हो जाएंगे बेटा डायरेक्टली, तो सराउंडिंग में कितने एटम्स होंगे, टू होंगे, टू एक नेगेटिव चार्ज है उसके लिए प्लस वन आ गया, ठीक है ना, तो क्या आ गया अगेन टेन बाई टू फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, बॉन्ड पेयर्स भी टू रहेंगे क्योंकि एक आयोडीन सेंट्रल होगा, तो एक इधर एक इधर, दो आयोडीन आएंगे, ठीक है ना, दो बॉन्ड पेयर लोन पेयर थ्री आ गई, आयोडीन सेंट्रल एटम दिस, और बॉन्ड पेयर भी आयोडीन ही है यहाँ पर, दिस लोन पेयर कहाँ जाएंगे, इक्वेटोरियल पोजिशन पर जाएंगे, ये इक्वेटोरियल पोजिशन है सारी, दीज आर दी इक्वेटोरियल पोजिशन, इक्वेटोरियल पोजिशन पर जाएंगे लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर है आई थ्री वन नेगेटिव, ये बन गया बेटा सेप अगेन लीनियर, बिल्कुल सेप, ओके बिल्कुल इजी, नाउ नेक्स्ट एन एच थ्री वाटर हो गया था, ये ले लेता हूँ मैं एन एच फोर पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव कंपाउंड नंबर 13, NH4 पॉजिटिव, ठीक है NH4 पॉजिटिव ले लेते हैं, पहले SF6 लेता हूं, क्या नाम SF5 15 बना हुआ है इस चीज के लिए, ये सब कुछ लिखा हुआ है SF5 सॉरी SF4 नॉट 5 SF4, सल्फर सेंट्रल एटम, सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 16 एटम नंबर होता है तो 6 प्लस 4 मोनोवेलेंट एटम लिंक हो गए 10 बाय 2 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आ गई, बॉन्ड पेयर्स कितने हैं 4, लोन पेयर्स कितने आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, 5 में से बेटा 4 बॉन्ड पेयर्स हैं तो 1 लोन पेयर आ गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है ये रही, सल्फर इज द सेंट्रल एटम, 4 बॉन्ड पेयर्स 1 लोन पेयर गोज टू इक्वेटोरियल पोजीशन, ये आ गए इक्वेटोरियल पोजीशन पर लोन पेयर बेटा, एंड बाकी जो बच गए दीज आर बॉन्ड पेयर्स, ये बॉन्ड पेयर्स लग जाएंगे यहाँ पर, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये लो जी एस एफ फोर की स्ट्रक्चर बन गई, सीसो है ना, इसको अगर देखा जाए तो देखो ये दो पैर हो गए नीचे के और ये झूला बन गया ना सीसो, यहाँ पर एक बच्चा बैठ जाए यहाँ पर दूसरा बच्चा बैठ जाए, दिस 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 दिस, ठीक है ना, तो नेम ऑफ शेप क्या होगी बेटा सीसो, नेम ऑफ शेप इज सीसो, ठीक है नेक्स्ट लेता हूं मैं एग्जांपल बेटा, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं अभी ले लेता हूं 13, ठीक है 13 एंड 14 अब ले लेते हैं, NH4 पॉजिटिव, देखिए एग्जांपल नंबर 13 NH4 पॉजिटिव, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, एटम नंबर 7 होता है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 मोनोवेलेंट एटम लिंक है इससे, हाइड्रोजन माइनस सी मीन चार्ज ऑन कैटायन माइनस 1 हो गया, ठीक है
क्योंकि प्लस वन चार्ज है तो उतना ही लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, मतलब माइनस वन इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। 5 + 4 9 - 1 8 / 2 फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तो ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या आ गई, टेट्राहेड्रल आ गई ज्योमेट्री बेटा। देखो देखिए ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बोन पेयर्स 4 ही आ गए, लोन पेयर 0 हो गया, कोई लोन पेयर नहीं है। नाइट्रोजन सेंटर एटम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, दिस 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 4 बोन पेयर्स हैं, सारे के सारे हाइड्रोजन हैं, ये लग गए बेटा। 1 पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया बेटा, दिस बन गई शेप। क्या सिंपल, जो ज्योमेट्री वही शेप बेटा, शेप इज टेट्राहेड्रल। क्यों, कोई लोन पेयर तो है नहीं जिसकी वजह से कोई डिस्टॉर्शन आता तो कोई अलग टाइप की शेप बनती यहाँ पर, तो जो जो ज्योमेट्री है वही शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, दैट इज BF3 14th एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 14 BF3। देखिए बोरोन सेंट्रल एटम, बोरोन का नंबर 5 होता है, वैलेंस एटम कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे 3 है ना, 2 3 2 + 3 टोटल कितना होगा 5 2। क्या नाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं बोरोन, बोरोन के कितने होंगे 3 + 3 मोनोवेलेंट एटम आ गए बेटा, फ्लोरीन है, 3 + 3 कितना हो गया 6 / 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। अभी तक फर्स्ट मॉलिक्यूल ऐसा है ये भी जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का ज्योमेट्री क्या होगी, व्हाट इज ज्योमेट्री फॉर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर प्लेनर, दिस इज ज्योमेट्री। बोन पेयर लोन पेयर बेटा, बोरोन सेंट्रल एटम है, 3 एटम्स मोनोवेलेंट एटम फ्लोरीन एटम लिंक है, बोन पेयर 3 हो गए, लोन पेयर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3, बोन पेयर भी 3 0। ठीक है देखिए कैसे अरेंज करेंगे BF3 को। अब देखिए बेटा बोरोन सेंट्रल एटम हो गया, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ये होती है, 120 के एंगल पे अरेंज होते हैं बेटा, 3 फ्लोरीन एटम्स हैं जो बोन पेयर्स हैं, ये बन गए, शेप इज ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर प्लेनर, जो ज्योमेट्री है वही शेप आ गई ट्रायंगुलर प्लेनर, तो ज्योमेट्री है वही शेप आ गई बेटा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, यहां तक हो गए 15 तक सभी एग्जांपल कर लिया हमने डिस्कस, 16th एग्जांपल PCl5 16th एग्जांपल बेटा PCl5 फास्फोरस इज सेंट्रल एटम, फास्फोरस का एटम नंबर 15 होता है बेटा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन गए 285, 5 मोनोवेलेंट एटम लिंक है इससे, 5 + 5 10 / 2 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर क्या हो गया ट्राइगनल बायपिरामिडल, ज्योमेट्री इज ट्राइगनल बायपिरामिडल, ये बन गई ट्राइगोनल बायपिरामिडल, दिस इज द ज्योमेट्री बेटा। बोन पेयर्स कितने, 5 एटम्स लिंक है सेंट्रल एटम, बोन पेयर 5, लोन पेयर कितने हो गए 0, 5 बोन पेयर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, 5 - 5 0 बेटा। देखिए कैसी शेप बनेगी इसकी PCl5, सिंपल जो ज्योमेट्री वही शेप हो जाएगी बेटा, सिंपल कुछ भी नहीं है, जो ज्योमेट्री है वही शेप आ जाएगी, फास्फोरस इज सेंट्रल एटम, दिस दिस दिस, वन इज अबव द प्लेन अनदर इज बिलो द प्लेन। ठीक है ट्रायंगुलर बाय क्या ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, ये देख लो ये ट्रायंगल हो गया बेटा, इनको अगर मिलाते हैं हम ट्रायंगल लाइक दिखाई दे रहा है आपको, ट्रायंगल और वन इज अबव द प्लेन अनदर इज बिलो द प्लेन, ट्रायंगल बाय पिरामिडल, ओके ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, दिस इज द शेप, शेप भी यही आगे CLF5 सेम BRF5 की तरह है बिल्कुल, बस सेंट्रल एटम चेंज हुआ है बाकी सारी कैलकुलेशन सेम। 18th IF7 डिस्कस करते हैं बेटा, IF7 लास्ट कंपाउंड है IF7, देखिए 18th कंपाउंड है IF7, आई सेंट्रल एटम हेलोजन है, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7, और बेटा मोनोवेलेंट एटम भी 7 ही लिंक है, 7 + 7 14 / 2 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है
7 rupees are the geometry when the pentagonal bipyramidal. This geometry is pentagonal bipyramidal. This is the geometry. Bond pairs kitne beta? Central atoms is itne atoms linked directly. 7 and 7 bond pairs. Lone pair kitne aage? 7 minus 7. 0 lone pair. Bilkul easy. Means jo geometry hai, wahi safe hogi. जो ज्योमेट्री है वही सेफ होगी बेटा. बिल्कुल इजी पॉइंट है. पेंटागन बनाएंगे, एक रेगुलर पेंटागन. देखिए दिस, ये हो गया बेटा. सेंट्रल एटम इज आयोडीन. दिस दीज आर द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई. वन इज अबव द प्लेन एक्सियल पोजीशन, अनदर इज बिलो द प्लेन. ये भी एक्सियल पोजीशन आ गई. ठीक है, तो बेटा ये कैलकुलेशन हो गई है इसकी. ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल बिकॉज टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 7, बोन पेयर्स भी 7. क्यों? आयोडीन सेंट्रल एटम, 7 एटम्स मोनोवेलेंट एटम्स आर लिंक्ड टू दिस. ठीक है ना, तो बोन पेयर भी कितने आ गए? 7 ही आ गए. लोन पेयर 7 माइनस 7 0 हो गए. तो ड्रॉ कर दिया हमने इसको. देखिए लोन पेयर होता तो कोई इक्वेटोरियल पोजीशन पर जाता. अब कोई लोन पेयर नहीं है तो एक जैसी अरेंजमेंट है सभी की. तो देखिए फ्लोरीन सभी, ऑल दीज आर बॉन्ड पेयर्स बेटा. फ्लोरीन 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 एंड दिस फ्लोरीन, ऑल दीज आर फ्लोरीन एटम्स लिंक टू सेंट्रल एटम. तो जो ज्योमेट्री है वही शेप होगी बेटा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यही शेप रहेगी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इसको बार बार देखना, अच्छी तरह देखना बेटा. दो तीन बार देखोगे तब जाकर अच्छी तरह समझ में आएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को. ओके, फिर भी कोई डाउट हो तो हम हैं आपके साथ. थैंक्स अ लॉट.